आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में पंजाब के लोगों को दूसरी गारंटी दी। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाबी लोगों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराने का वादा किया। आज पंजाब के अंदर अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाओ, दवाइयां मिलती हैं? नहीं मिलती। डॉक्टर एक पर्ची पे लिख देता है, कहते हैं बाहर से ले लेना दवाई। दवाइयों की खिड़की खुलती नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर सरकारी अस्पताल के अंदर सारी दवाइयां मिलेंगी, दवाइयों की खिड़की खुलेगी। हम इंश्योर करेंगे कि सारी दवाइयां मिलनी चाहिए। आज पंजाब के सरकारी अस्पतालों के अंदर कोई मशीन काम नहीं करती, एक्सरे की मशीन काम नहीं करती। या तो मशीनें है ही नहीं, और या मशीनें काम नहीं करती, या मशीनें चलाने वाले नहीं है। दिल्ली में भी यही हाल था। आज दिल्ली के अंदर सारी मशीनें हैं, मशीनें काम करती हैं और मशीन चलाने वाले भी हैं। पंजाब के भी सारे अस्पतालों के अंदर दवाइयां भी फ्री मिलेंगी, सारी मशीनें भी चालू होंगी, मशीनें होंगी और मशीनें चालू होंगी। अगर किसी का 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का भी ऑपरेशन है, सरकारी अस्पताल के अंदर वो फ्री किया जाएगा। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो अब उसके इलाज के खर्चे की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके अच्छे इलाज की अब आपको पंजाब में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बहुत सारे लोग पंजाब से दिल्ली जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनका भी इलाज मुफ्त होता है दिल्ली के अंदर। लेकिन अब आपको पंजाब से दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंजाब के अंदर आपका अच्छा इलाज होगा। यह हमारी दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी, हर पंजाब के व्यक्ति को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। उस हेल्थ कार्ड के अंदर उसकी सारी जानकारी होगी, उसका एक्सरे, उसकी MRI रिपोर्ट, उसको इतनी सारी रिपोर्ट लेके घूमने की जरूरत नहीं है, सारी कंप्यूटर पे होगी। वो बस अपना एक हेल्थ कार्ड लेके, हर आदमी, आपके परिवार में एक बच्चा है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, आपका माँ है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, पिताजी का अलग हेल्थ, हर एक बंदे को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। जिसके पास हेल्थ कार्ड होगा उसको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। और सबसे शानदार, पूरे कंप्यूटराइज करेंगे सारे सिस्टम को, जैसे दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, और उसके अंदर आपका हेल्थ कार्ड, आपका सारा डेटा कंप्यूटर पे होगा। चौथी चीज, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। स्वीडन के मुख्यमंत्री हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आए। उस किस्म का मोहल्ला क्लिनिक अब पंजाब के हर पिंड में खोला जाएगा, पिंड क्लिनिक बनाया जाएगा। शहरों में हर वार्ड के अंदर एक अलग क्लिनिक बनाया जाएगा। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक और वार्ड क्लिनिक, 16,000 क्लिनिक खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। इस क्लिनिक में क्या होता है, मान लीजिए आपको खांसी हो गई, जुकाम हो गई, थोड़ा बुखार हो गया, तो आपको PGI जाने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलते नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आपको ये सारी रोजमर्रा की बीमारियों का इलाज, वहां पे आपके पिंड में मोहल्ला क्लिनिक होगा, वहां चले जाओ, वहां पे आपको इलाज मिलेगा। लुधियाना से अजय पाहवा की रिपोर्ट।